हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गाइड में। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा क्रेडिट पार्टी ऑनलाइन क्रेडिट ऐप का। ये कैसा ऐप है, यहाँ पर हमें इमरजेंसी में लोन मिल जाएगा कि नहीं, ये ऐप सेफ है कि नहीं, इसके बारे में पूरा बताऊंगा। प्लीज बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये ऐप को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये सब चीज तो सही दिखा रहा है, अच्छी खासी रेटिंग है, गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है, गूगल सर्च करने के दौरान भी ये दिख जाता है ऊपर ही, और इसमें रेटिंग तो 4 से ऊपर है और डाउनलोड्स 5 के तक का, और डाउनलोड्स और भी बढ़ेगा। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो डाउनलोड्स और रेटिंग डिफर कर चुकी होगी, और रिव्यू भी आप देखेंगे तो आपको अच्छा बुरा दोनों रिव्यू दिख जाएगा, लेकिन ज्यादातर आपको पॉजिटिव रिव्यूज दिखेगा, जिससे पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि ये ऐप सही है कि नहीं, यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स भर के लोन लेने के लिए अप्लाई करें कि नहीं। तो ये सब चीजें हैं, और अगर आप देखना चाहते हैं कि कितना ये लोन देगा तो वो मैं आपको बता दूं कि ये बता रहा है कि दावा कर रहा है कि 1,000 से 60,000 तक का लोन दे देंगे। टाइम के बारे में बता रहा है, इंटरेस्ट रेट के बारे में बताता है, प्रोसेसिंग फीस के बारे में बताता है, और ये आपको बताता है कि कितनी जीएसटी लगाएंगे भी बताता है, पूरा एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता है। और आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन लेने का भाई प्रोसेस है, और एक आईडी दे रखी कॉन्टेक्ट करने के लिए। लेकिन लोन लेने से पहले आप ये जान लीजिए कि ये क्या कर रहा है, वाकई में हमें लोन दे रहा है कि नहीं, जैसे ये बता रहा है कि हम इतना इतना दे देंगे, इतना टाइम देंगे, क्या वैसे ये कर रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहां से आप कोई लोन ना लीजिए। इसलिए लोन ना लीजिए क्योंकि अभी ये आपका सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहा है, आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है और आपको कोई लोन नहीं दे रहा, आपको बेवकूफ बना रहा है। तो इनका लोन जो एप्लीकेशन है वो भी काम नहीं करता सही से, और अगर आप यहाँ पे डिटेल्स भरने की कोशिश करेंगे तो कभी कभी लोगों ने ये भी बताया कि नाम भी नहीं पूछता, बैंकिंग डिटेल्स भी नहीं पूछता और कुछ डेटा ले लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कर रहा है, आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है, और डेटा कलेक्ट करने के बाद ये पैसा ही कलेक्ट करेगा आपसे, क्योंकि ये कोई ना कोई बहाने ये आपको अटैक करेगा, टारगेट करेगा कि आपसे पैसे निकाल लें। तो इनकी और भी खूबियां हो सकती हैं जो आगे ये कर सकते हैं, जैसे कि ये आपको कोई लोन ना प्रोवाइड करें, आपका लोन एप्लीकेशन विद इन सेकंड, विद इन मिनट्स रिजेक्ट कर दें, पेंडिंग में डाल दें, रिव्यू में डाल दें, वेटिंग में डाल दें, या फिर बता दें कि अप्रूव्ड हो गया लेकिन आया नहीं, या फिर आपने अप्लाई भी नहीं किया तब भी आपके पास जबरदस्ती का मैसेज आ रहा है कि लोन रिपे करो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पैसा मांगे लोन लेने से पहले, और या फिर ऐसा भी कर सकते हैं जबरदस्ती बिना बताए आपके अकाउंट में पैसा भी डालना शुरू कर दें, और फिर 6 दिन 5 दिन 7 दिन के अंदर कॉल और मैसेजेस आने लगे, आपके कॉन्टैक्ट्स में गलत सलत मैसेजेस न्यूड पिक्स भेजा जाए आपको बदनाम करने के लिए, आप पे प्रेशर बनाने के लिए, आपको डराने के लिए, ताकि आप रिपे कर दें। तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई रिपेमेंट नहीं करना है, आपको एक वार्निंग मैसेज अपने कॉन्टैक्ट्स में भेजनी है कि आपका डेटा हैक हो गया है और कुछ गलत सलत मैसेजेस और पिक्स उनके पास आ सकती है, तो कृपया करके उस नंबर को ब्लॉक कर दें और उनको हड़का दें। एक बार आपने कन्विंस कर लिया उसके बाद आप इनको जिस भाषा में हड़काना चाहते हैं हड़का दीजिए, इनका कॉल और मैसेजेस आना बंद हो जाएगा। और आपको साइबर पोर्टल पे कंप्लेंट करनी है, आपको कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल पे कंप्लेंट करनी है, आरबीआई को और गूगल प्ले स्टोर को कंप्लेंट करनी है, ऐसी कंडीशन में जब आपको बिना बताए लोन दे दिया जाए। तो ये सब चीजें भी एक कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। अभी तो ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और यही इनकी औकात है, तो यही चीज कर रहे हैं, तो कृपया करके इस ऐप को डाउनलोड भी ना करें। डेटा बहुत ही जरूरी है आपके लिए, अगर डेटा इन लोग पा गए तो किसी भी तरीके से ये आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। तो कृपया करके इस ऐप को डाउनलोड ना करें, लोन लेने की तो बहुत दूर की बात है। कृपया करके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स आगे आपको मिलते रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।